खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश शासन की फायर ब्रांड तेज तर्रार मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा जैश को देशद्रोही संगठन बताए जाने के बाद से ही पूरे देश में जैश आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर उषा ठाकुर हाय हाय के नारे के साथ ही बड़गोंदा थाना क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत मेंढ में मंत्री के पुतले में सुतली बम लगाया, फिर पेट्रोल डालकर पुतला फूंका गया। साथ ही जैस के कार्यकर्ताओं ने मऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पर इकट्ठा होकर पैदल मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, तो तहसील कार्यालय का मेन गेट बंद होने के कारण जैस कार्यकर्ता रोड पर ही बैठकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उषा ठाकुर हाय हाय उषा ठाकुर मुर्दाबाद के नारों से कार्यालय गूंज रहा था। यही नहीं, कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि यदि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन देशद्रोही संगठन है तो कैबिनेट मंत्री द्वारा पिछले दिनों देवास के दौरे पर थी, उस समय अपनी गाड़ी पर राष्ट्रध्वज उल्टा लगाकर घूम रही थी, तो उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी कर एसडीएम अभिलाष मिश्रा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जैस पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्री उषा ठाकुर द्वारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से माफी नहीं मांगती है तब तक जैस द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी हमारे साथियों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाकर निःशुल्क सेवाएं दी गई है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बता दे कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 4 थानों का पुलिस बल तैनात रहा, बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मऊ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में खरीद प्रोक्त की सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने उस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपने वक्तव्य में कहा गया था कि जैस देशद्रोही संगठन है और उसके बाद मीडिया कर्मी को भी उन्होंने देशद्रोही सामने अगर सवाल जवाब करा था तो देशद्रोही संगठन कहा गया था। हमारी मांग है मध्य प्रदेश प्रशासन से कि ऐसे मंत्री पे SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो और प्रकरण दर्ज होकर उनको गिरफ्तारी दी जाए और देवास के प्रवास के दौरान मंत्री महोदय के गाड़ी पे राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया गया था वो भी देशद्रोह का प्रकरण बनता है, वो उसमें उस मामले में भी प्रकरण दर्ज हो, ये हम मांग करते हैं। आदिवासी बिल्कुल सर, ये हमारे मऊ क्षेत्र में भी आदिवासी वोटर निर्णायक वोटर है। मऊ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सिर्फ मऊ में नहीं पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज के वोटर निश्चित ही इनको डंके के चोट पे अपना काम बता देंगे। सर सर मंत्री महोदय ने सामाजिक संगठन और जनजातियों से माफी मांगी है, ना कि जैसे आपने सुना होगा मंत्री महोदय ने जैस को देशद्रोही कहा है। किसी सामाजिक संगठन में तो करनी सेना भी आती है, अन्य बहुत सारे संगठन आते हैं, जय भारती भी आती है, बहुत हिंदू वाहिनी आती है, हिंदू जागरण मंच आता है, सामाजिक संगठन। लेकिन मंत्री महोदय ने अगर किसी को दोषारोपित करा था तो सिर्फ जैस को देशद्रोही बनाया था, इसीलिए माफी भी देशद्रोही की अगर बोल सकते हैं तो माफी भी आपको जैस को ही मांगनी होगी। कल 15 में अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसको भी जहाँ जाना है वो अपना व्यक्तिगत मत है। ये भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक अधिकार देता है। आपके यहाँ पे या किसी धर्म के ठेकेदारों पे कोई नहीं होगा, चाहे वो कहीं पे जाए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो भारतीय संविधान का अपमान करता है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए। तो हम लोग पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करते रहेंगे। माहू से कैमरा पर्सन सोनिया के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।